नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। नामांकन के पहले दिन से ही समाज बंधुओं में जागा उत्साह है। दूसरे दिन 26 नामांकन फॉर्म वितरित, 25 उम्मीदवारों ने जमा कराए फॉर्म। यह है प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार। सहायक निर्वाचन अधिकारी बी एल माणन ने बताया कि दूसरे दिन सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में प्रमुख रूप से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीना ने, पूर्व विधायक एवं संरक्षण गणपत पटेल के विशेष आग्रह तथा सभी 28 जिलों के जिला अध्यक्षों की मांग पर अपना नामांकन जमा किया। इसके अलावा संगठन के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता लीलेंद्र सिंह मारन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट संतोष मीना तथा गौरी शंकर मीना ने अपने अपने नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी बीरवान सिंह मीना के समक्ष प्रस्तुत किए। चुनाव की जो फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी आज, मध्य प्रदेश महिला सेवा संगठन का जो निर्वाचन का कार्य चल रहा है वो आज पूर्ण हो गया। इसमें 51 पदाधिकारी हैं, इनके सबके फार्म यहाँ आ चुके हैं विधिवत नियम अनुसार। हाँ, और रजिस्ट्रार को एक दिन पहले के फार्म की सूचना दे दी गई है। दूसरा आज के जो है वो रजिस्ट्रार को दे करके प्राप्ति ली जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन का जो हमारा जो चुनाव हो रहा है ये मध्य प्रदेश महिला सेवा संगठन के वायलाज के अंतर्गत हो रहा है। वायलाज का नियम है कि 5,000 से ऊपर सदस्य बने इसके बाद ही इलेक्शन होवे। 5,730 सदस्य हमारे बन चुके हैं। सदस्यता अभियान की सूची हमने जारी पूर्व में कर दी गई है और उसी सूची के आधार पे आज नामांतरण भरने की अंतिम तारीख थी वो पूर्ण हो चुकी है। सर, कितने लोगों ने अध्यक्ष पद के दावेदार के फॉर्म भरे? 6 लोगों ने अध्यक्ष के लिए फार्म आए हैं। सर, क्या सहमति बन सकती निर्विरोध? अब ये 22 तारीख को ही सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारे लोग आएंगे जिनने फार्म भरा वो भी आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर सहमति बनती है तो सर्वोन्मति से अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। नहीं बनती है तो जो वायलाज का नियम होगा उसके अंतर्गत मीणा समाज मध्य प्रदेश सेवा संगठन निर्वाचन अधिकारी नियुक्त है, उनके मार्गदर्शन में इलेक्शन हो जाएगा। सर, आज विशेष बैठक का आयोजन भी किया था, उसमें गणपत पटेल जी ने बताया है कि 5 नामों की सहमति बनी है, तो वो 5 नाम में किसी एक नाम फाइनल, तो आप उसमें सहमत है? मैं अपने सभी वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। अगर 5 नाम जो माननीय गणपत पटेल जी ने बताए हैं उनमें से कोई नाम आता है तो पूरा समाज उनका स्वागत करे। सर, आप पिछले 3 साल से मीणा सेवा समाज संगठन अध्यक्ष रहे, आपके नेतृत्व में काफ़ी विकास भी हुई है। कोरोना जैसे भयानक बीमारी में आपने बहुत संघर्ष करा, आज आपने फिर अध्यक्ष का फॉर्म भरा है, क्या समाज दोबारा आपको अध्यक्ष के पद में देखना चाहते हैं? देखिए, समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और माननीय गणपत पटेल जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता था लेकिन उनके आदेश को मैं मना नहीं कर सका। पूरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और सभी ने कहा आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। माननीय गणपत पटेल साहब ने इस संगठन को न केवल मजबूत किया बल्कि समाज को टूटने भी नहीं दिया। हमारे समाज में जितनी भी भ्रांतियाँ थी उनको आपकी चैनल के माध्यम से वो समय समय पे बराबर उन भ्रांतियों को दूर किया है और हमने केवल संपूर्ण समाज की मांग पे फॉर्म भरा है। लेकिन अध्यक्ष पद से मतलब नहीं है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में आगामी 3 साल में काम करेंगे और जो काम अध्यक्ष के रूप में करते थे वो एक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। समाज को एक मैसेज देंगे कि बिना अध्यक्ष पद के भी एक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज का सदस्य कार्य कर सकता है। सर, आपके बार बार मना बोलने पे भी चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि आपको ये अध्यक्ष दोबारा बनाया जाए। पद से कोई कार्य नहीं होता, अगर मन में संकल्प है तो निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूँगा।